क्लास 10 भी हमने पहले ही कबीर चैप्टर कंप्लीट किया था, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। बड़े भाई साहब, पाठ का पठन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो हम अपनी लास्ट क्लास में मौखिक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, आज हम लिखित प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। ओके, सब अपनी फेयर कॉपी में जो भी क्वेश्चन है लिखेंगे और ब्लू पेन से आंसर लिख सकते हैं, और आप चाहे तो इसे अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ, कुछ आपके सामने शो कर रही हूँ पीडीएफ में, बट अगर आप चाहते हैं उन्हें अपने वर्ड्स में लिखना तो आप इस वीडियो से एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं, और उसके बाद आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ से आपको हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर्स में। ओके, तो सबसे पहले लिखित प्रश्न 25 से 30 शब्दों में, यानी कि आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क तक के लिए आ सकता है, 3 मार्क का हो सकता है। तो ये जो आंसर्स है 25 से 30 शब्द, यानी कि 2-3 लाइनों में आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं मैक्सिमम है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा था, जब बड़े भाई साहब डांटते हैं छोटे भाई को और उसे कहते हैं कि वो उसे पढ़ाई करे, और तब वो सबसे पहले तो निराश होता है, डिप्रेस होता है थोड़ा, लेकिन जब वो निराशा से निकलता है तो क्या करता है, सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, छोटे भाई ने अधिक मन लगाकर पढ़ने का निश्चय कर टाइम टेबल बनाया जिसमें खेल कूद के लिए कोई स्थान नहीं था। टाइम टेबल बना लेना एक बात है और बनाए गए टाइम टेबल पर अमल करना दूसरी बात है। वह टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया क्योंकि मैदान की हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती उसे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही वह सब कुछ भूल जाता। ठीक है, तो ये छोटे भाई की स्थिति थी, बड़े भाई से डांट खाकर बनाता है एक टाइम टेबल लेकिन उसको फॉलो वो कभी कर नहीं पाता। तो ये फर्स्ट आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन, प्रश्न 2, एक दिन जब छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। हर बार जैसे ही वो खेल कर वापस आता है तो बड़े भाई साहब की क्या प्रतिक्रिया होती है, डांटते हैं उसे, पूछते हैं कहाँ थे और फिर डांट फटकार जो भी होती है। तो इसको आंसर में आप कैसे लिख सकते हैं, छोटा भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेल कर बड़े भाई के सामने पहुंचा तो बड़े भाई ने गुस्से में उसे खूब लताड़ा, लताड़ा मीन्स डांटा, फटकारा, उसे घमंडी कहा और सर्वनाश होने का डर दिखाया। उसे बताया था रावण का एग्जाम्पल देकर और इवन शैतान का एग्जाम्पल देकर कि अगर इतना घमंड करोगे तो किस तरह से उनका नाश हुआ, घमंड करने वाले या अहंकारी व्यक्ति का नाश हो सकता है। तो सर्वनाश होने का डर दिखाया, उसने उसकी सफलता को भी तुक्का बताया और आगे की पढ़ाई का भय दिखाया। उन्होंने उसे कहा था कि तुम बाई चांस, संयोगवश तुम्हें तो प्रथम आवे हो कक्षा में और इतना घमंड कर रहे हो, और ये सारी डांट फटकार जो भी थी भाई साहब के द्वारा उन्हें मिली और उन्होंने आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाई कितनी मुश्किल होगी, इसकी पूरा डर उन्होंने छोटे भाई के सामने दिखाया था ताकि वो अपना रौब, अपना बड़प्पन कायम रख सके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। हमने इस चैप्टर में पढ़ा, बड़ा भाई क्यों कोशिश करता है कि वो छोटे भाई के सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट करे, तो एक उसे कौन सी इच्छाएं अपनी दबानी पड़ती थी। तो बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते यही कोशिश करते थे कि वे जो भी करें वह छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का काम करे, उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का बोध था। नैतिक कर्तव्य मीन्स उनकी मॉरल ड्यूटीज उन्हें अच्छे से पता थी, वो स्वयं भी अनुशासित रहकर ही अपने भाई को अनुशासन में रख पाएंगे। इस आदर्श तथा गरिमामय स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती। एक बड़ा भाई जो है वो भी एक बच्चा है, उसकी भी इच्छा होती खेलने की लेकिन वो चाहकर भी खेल नहीं सकता। तो ये सारी चीजें आप इस आंसर में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को दिन रात एक ही सलाह देते थे, क्या थी वो जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी, पढ़ने की तथा खेल कूद में समय न गंवाने की सलाह।
तो आप इसको आंसर में अपने फर्स्ट लाइन में ला सकते हैं, बड़े भाई साहब छोटे भाई को दिन रात पढ़ने की तथा खेल कूद में समय न गंवाने की सलाह देते थे। वे बड़ा होने के कारण उसे सही राह पर चलाना अपना कर्तव्य समझते थे। अब ये क्यों का आंसर हो गया, ध्यान रखिए कभी भी क्वेश्चंस में क्या और क्यों ये कुछ भी चीजें क्वेश्चन में अगर पार्ट है तो आप स्टेप बाय स्टेप उनका आंसर देंगे। जैसे पहले आपने क्या का आंसर दिया और फिर क्यों का आंसर दिया, क्यों दिया, करते थे वो ऐसा नैतिक कर्तव्य समझते, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया। नरम व्यवहार का मतलब कि उन्होंने डांटना थोड़ा कम कर दिया था, बहुत ज्यादा नाराज नहीं होते थे पहले की तरह, तो इसका बेनिफिट छोटे भाई ने क्या लिया था, क्या बेनिफिट लिया था। छोटा भाई जो कि हमारे चैप्टर के लेखक है ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित फायदा उठाया। अनुचित का मतलब क्या होता है, गलत फायदा उठाया, जिससे उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई और उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसके मन में यह भावना बलवती हो गई कि वह पढ़े या ना पढ़े, परीक्षा में वह पास अवश्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसने अपना सारा समय पतंगबाजी को, पतंगबाजी क्या होती है हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, ये जो किताब काइट्स वगैरह उड़ाते हैं, तो ये जो शौक होता है पतंग उड़ाने का, इसे पतंगबाजी कहा गया। तो अपने पूरा समय उसने पतंगबाजी को ही भेंट कर दिया था। तो यहाँ पे हमारे जो 25 टू 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन से कंप्लीट हुए, बुक में हमारे हैं 50 टू 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की तरह आ सकते हैं। और अगर ऐसा ही कोई प्रश्न लॉन्ग आंसर में आ जाता है, 5 मार्क या 4 मार्क के लिए आ जाता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 50 टू 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चन, फर्स्ट, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता, अपने विचार पर रख दीजिए। अब ये कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर पे आप भी अपने व्यूज इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उसने, आप अपने विचार लिखिए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या रियल में छोटे भाई के फर्स्ट आने के पीछे बड़े भाई की डांट फटकार थी? अगर ऐसा है तो कैसे, क्योंकि हर बच्चे को घर में डांट फटकार मिलती है पढ़ने के लिए, हर कोई तो फर्स्ट नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं रीजन तो यही था कि भाई साहब की डांट फटकार उस पर एक अंकुश कहीं ना कहीं रखती थी, लेकिन किस तरह से ये छोटा भाई उनकी डांट खाता और फिर पढ़ता, तो ये दोनों ही चीजें साथ चलती रही। आप इसको अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर ऐसा हो सकता है, मेरे विचार में यह सच है। क्यों आप ये मेरे विचार क्यों लिखेंगे वर्ड, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आप स्टार्टिंग में मेरे विचार लिख सकते हैं, मेरे विचार में यह सच है कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार छोटे भाई को ना मिलती तो वह कक्षा में कभी अव्वल ना आता, अव्वल मीन्स क्लास में फर्स्ट नहीं आता। यद्यपि उसने बड़े भाई की नसीहत तथा लताड़ से कभी कोई सीख ग्रहण नहीं की, जो भी बड़ा भाई उसको नसीहत मतलब सुझाव ऑप्शंस देते थे, सब उपदेश देते थे, या लताड़ मतलब कभी डांटते भी थे, हालांकि डायरेक्टली उसने कभी उससे कुछ नहीं सीखा, लेकिन फिर भी उस पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव गहरा पड़ता था। बड़े भाई की डांट फटकार ने उसे कक्षा में प्रथम आने में सहायता की तथा उसकी चंचलता पर भी नियंत्रण रखा, क्योंकि वो छोटा भाई बहुत शैतान था, वो सारा समय खेल सकता था, और बड़ा भाई अगर नहीं रोकता तो शायद पूरी तरह से खेल कूद में वो अपने जीवन व्यर्थ कर सकता था। तो बहुत सही था उनका डांट फटकारना, और ये उनकी चंचलता, उसकी बच्चे की जो नटखट बनाता है शैतानी, तो उस पर कहीं ना कहीं एक अंकुश, एक नियंत्रण था। मेरे विचार से बड़े भाई की डांट फटकार के कारण ही छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता था, अर्थात बड़े भाई की डांट फटकार उसके लिए वरदान सिद्ध हुई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हमारा सेकंड क्वेश्चन, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है, क्या आप उनके इस विचार से सहमत है? तो पूरी एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां, कुछ ऐसे सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि बच्चे फील करते हैं, और यही चीज कैरेक्टर जो है बड़े भाई उनके द्वारा लेखक प्रेमचंद ने बताई है। तो
कुछ जगहों पे तो वो सही है और कुछ जगहों पे थोड़े से गलत है, क्योंकि वो अननेसेसरी पढ़ाई का एक भयावह चित्र क्रिएट कर रहे थे। सो इसका आंसर आप ऐसा लिख सकते हैं, लेखक का कहना है कि हमारी शिक्षा में अनेक कमियां हैं, यह रटने की विद्या सिखाती है। ये कुछ अंशों में ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली सिर्फ रटाफिकेशन नहीं होती है ना, तो ये रटंत विद्या नहीं है। इसलिए कुछ अंशों में हम सहमत हैं, कुछ जगहों पे इनकी बात से हम सहमत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यह रटने की विद्या सिखाती है। जैसे कि इतिहास में अनेक हेनरी, जेम्स, विलियम्स हुए, जो याद करना आसान नहीं है। एलजेब्रा, ज्योमेट्री की पढ़ाई बहुत मुश्किल है। केवल इतना ही नहीं, अगर समय की पाबंदी पर संक्षेप में 4 पेज का निबंध लिख पाते हैं, तो अर्थात लेखक ने समूची शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग किया। ये हमारे पहले वाले का फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है उसका आंसर हुआ। और सेकंड है, क्या आप उनके विचार से सहमत है? तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर देने के लिए आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं और फिर लिखेंगे, हम लेखक की बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। शिक्षा प्रणाली में कुछ कमियां हम विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान देकर भी दूर कर सकते हैं, इसलिए शिक्षा में प्रायोगिक कार्य एवं परियोजना कार्य जोड़े जाते हैं। ये इसका एक आंसर हो सकता है। बाकी आप अपने वर्ड्स में जब भी मांगा जाए आप अपने व्यूज वहां पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ पढ़ाई लिखाई से अधिक जीवन के अनुभवों से आती है। बड़े भाई साहब कहते हैं, हमारे दादा अधिक पढ़े लिखे नहीं, फिर भी वह दिन प्रतिदिन में आने वाली कठिनाइयों को सहजता से दूर कर लेते हैं, बहुत इजीली दूर कर लेते हैं। हेडमास्टर साहब का एग्जाम्पल भी दिया गया था, उनकी माता जी का। जो हेडमास्टर साहब की माता जी पढ़ी लिखी नहीं है, पर वह घर हेडमास्टर साहब से अच्छा संभालती है। अर्थात जीवन की समझ जीवन के अनुभवों से आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? आंसर इसका, हमने चैप्टर में देखा था कि जब फाइनली वो उसको समझाते हैं कि मैं क्यों तुम्हें रोकता हूँ, मेरी भी इच्छा होती है, मैं भी खेलना चाहता हूँ, जब वो अपने मन की बात उससे शेयर करते हैं और साथ ही उसको दिखाते हैं कि मैं बड़ा हूँ, उम्र में 5 साल, थप्पड़ भी मार सकता हूँ, ये भी दिखा गया, बताया उसे। तो इन सारी बातों को और भाई साहब का सेक्रीफाइस हर दिन का, कि भाई साहब भी खेलना चाहते हैं लेकिन वो नहीं खेलते, मेरे लिए हर दिन उतना समत्याग करते हैं, इन बातों को जब छोटे भाई ने जाना था तब उसके मन में अपने बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो इस आंसर को आप ऐसे लिख सकते हैं, छोटे भाई को जब पता लग गया और एक दिन बड़े भाई साहब ने उसे पकड़ लिया, तो वह छोटे भाई से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे केवल एक कक्षा पीछे हो, कल को मेरी कक्षा में भी आ सकते हो, पर याद रखना मैं तुमसे 5 वर्ष बड़ा हूं और रहूंगा, और मुझे जीवन के अनुभव तुमसे अधिक ही रहेंगे, चाहे पढ़ाई में तुम मुझसे आगे वाली कक्षा में भी निकल जाओ। बड़े हैं कि मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार। बड़े भाई की इस युक्ति के आगे छोटा भाई उनके आगे नतमस्तक हो गया, नतमस्तक मतलब सिर झुका लिया, तथा बड़े भाई के लिए उसके मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से इसका आंसर बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। हमारे चैप्टर का पूरा जो नायक है शीर्षक वही है, ये बड़े भाई, तो इनकी स्वभाव की क्या विशेषताएं थी? कुछ ऑलरेडी हमने जब चैप्टर पढ़ा था मैंने पॉइंट्स बनवाए थे आपको, वो आप यूज कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, इवन आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा बेहतर होगा कि आप आंसर इस तरह से हेडिंग्स बनाए और उसके बाद डैश करके उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे हम इसका, बड़े भाई साहब की चारित्रिक विशेषताएं या स्वभावगत विशेषताएं? ठीक है, क्या विशेषताएं थी? बड़े भाई साहब इस कहानी के मुख्य पात्र है, कहानी के आधार पर उनके स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। जैसे कि फर्स्ट, अध्ययनशील व परिश्रमी,
मेहनती तो बहुत थे, रात दिन हमने उनके बारे में पढ़ा कि अर्ली मॉर्निंग से उठ के पढ़ते हैं, रात तक पढ़ रहे थे और अध्ययनशील, लेकिन पढ़ाई में दिखावा ज्यादा था, इतने पढ़ने में अच्छे थे नहीं वो। यहाँ पे हेडिंग को लेकर आप लिख सकते हैं, बड़े भाई साहब परिश्रमी व अध्ययनशील है। यह अलग बात है कि हर कक्षा में एक वर्ष से अधिक का समय उन्हें लग जाता है, कई कक्षाओं में लगा है उन्हें। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, वाक्पटु। वाक्पटु क्या होता है? बोलने में बहुत अच्छा स्पीकर, जो बहुत अच्छे से बोलते हैं, अपनी बात सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं। तो ऐसे पर्सन को उपदेश कला में जो निपुण हो उसे हम कहते हैं वाक्पटु। तो बड़े भाई साहब बोलने की कला में निपुण है, इसलिए छोटे भाई को जब वह फटकारते हैं तो छोटा भाई निरुत्तर हो जाता है। ना सिर्फ छोटा भाई बल्कि अपनी बात को समझाने के लिए वो जो एग्जाम्पल्स ले लेकर आते थे, जिस तरह से अपनी बात को समझाते थे, उनकी बात से कोई भी व्यक्ति अपने आप को अग्री करेगा, सहमत हो जाएगा, है ना। सो आप इसके लिए पॉइंट बनाएंगे वाक बनाना। थर्ड पॉइंट, सिद्धांतों के पक्के। वह बड़े भाई जो है वो सिद्धांतों के बड़े पक्के हैं। वह मानते हैं कि शहर में रहते हुए छोटे भाई की जिम्मेदारी उन पर है, वह उसका पालन करते हैं। अपने सिद्धांतों पे इतने पक्के हैं कि हर दिन वो बंदा बच्चा कभी खेलने ही नहीं जाता, ताकि भाई छोटे भाई को रोक सके कि वो खेला ना करे, इसलिए वो हर दिन बड़ा भाई कभी खेलने नहीं जाता। ये उसके सिद्धांत थे। नेक्स्ट है दृढ़ संकल्प। वह दृढ़ संकल्प, क्या होता है दृढ़ संकल्प? कि आप अपने मन में कोई डिसीजन अगर लेते हैं तो उसको पूरा अच्छे से फॉलो करें अपने निर्णय के लिए। तो दृढ़ संकल्पित है, दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्पित सेम मीनिंग है। आप चाहे तो दृढ़ संकल्पित लिखे, चाहे तो दृढ़ निश्चय लिखे। वह भी बच्चे हैं पर अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, केवल इसलिए कि अगर वह खेलने कूदने में लग गए तो छोटे भाई को नियंत्रण में नहीं रख पाए। इसलिए उस बच्चे का जो निर्णय था, हर दिन उस निर्णय पे वो खरा उतरता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, अनुशासन प्रिय। वह अनुशासन प्रिय है, सिद्धांत प्रिय है, आत्मनियंत्रण करना जानते हैं, सेल्फ कंट्रोल बहुत है उनमें। वह आदर्शवादी बनकर छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है। और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, अनुभवी। उन्हें छोटे भाई से जो जिंदगी का अनुभव अधिक है, इसलिए छोटा भाई चाहे पढ़ाई में अच्छा है परंतु बड़े भाई के तर्कों के आगे वो भी निरुत्तर हो जाता है, कोई जवाब उसको नहीं पूछता है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं भाई साहब की विशेषताओं के। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में थे किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा? सो आंसर, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका मत था कि किताबी ज्ञान तो रट्टा मारने का नाम है, किताबों से तो आप रट कर भी पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका जीवन से कुछ लेना देना नहीं, इससे बुद्धि का विकास और जीवन की सही समझ विकसित नहीं हो पाती। इसके विपरीत अनुभव से जीवन की सही समझ विकसित होती है, इसी अनुभव से जीवन की सुख दुख से सरलता से पार पाया जा सकता है। पार पाना मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना। घर का खर्च चलाना हो या घर के प्रबंध करने हो, जिसके लिए एग्जाम्पल किसका दिया था उन्होंने, प्रिंसिपल की माँ का, है ना, या बीमारी का संकट हो, और बीमारी वाले संकट के लिए एग्जाम्पल किसका दिया है चैप्टर में, उन्होंने अपने बड़े घर के जो बड़े हैं दादा, उनका अनुभव, वही उम्र और अनुभव ही इसमें व्यक्ति की मदद करते हैं। इसमें आप वो भी लिख, आपको याद है हमने कबीर वाले चैप्टर में आपको एक मैंने समझाया था इस लाइन, चाइना का एक चीन की पुरानी कहावत है कि अगर आप 10,000 कदम चलते हैं तो आप अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तुलना में आप 10,000 किताबें। तो किताबों से आपको किताबी ज्ञान तो मिलेगा जो किसी और की जिंदगी का अनुभव है, लेकिन जब आप 10,000 कदम चलते हैं तो जो भी एक्सपीरियंस आप करेंगे वो आपका अपना अनुभव है, जीवन में काम वो आएगा, है ना। तो इससे कुछ मिलती जुलती बात वही यहाँ पे बड़े भाई साहब ने भी कही, किताबी ज्ञान की कंपैरिजन में अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है? अभी क ख ग घ चार आपको अलग अलग सिचुएशंस दी, तो आप इसको आंसर कैसे देंगे? पहले हम क का आंसर,
देन उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन फिर ख का जो सेकंड पॉइंट है उसको एक्सप्लेन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। जैसे कि फर्स्ट है, छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। कैसे पता चला ये चैप्टर में? छोटा भाई का मानना है कि बड़े भाई को उसे डांटने डपटने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो उससे उम्र में बड़े हैं। छोटे भाई की शालीनता व सभ्यता इसी में है कि वह उनके आदेश को कानून की तरह माने, अर्थात पूरी सावधानी व सतर्कता से उनकी बात का पालन करे। ठीक है, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, उन्होंने क्या कहा था, अपने भाई की कमी को, कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, तो कैसे वो कवर करते हैं, छोटे भाई उनको बोलते हैं कि वो पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण मामलों में जल्दबाजी से काम नहीं। तो ये इनडायरेक्टली समझ में आता है कि वो भाई साहब का बहुत सम्मान करता है और वो उनकी रिस्पेक्ट करता है। नाउ सेकंड पॉइंट, भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। इसको क्या, इसका आंसर, भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मुझे जीवन का तुमसे अधिक अनुभव है, समझ किताबी ज्ञान से नहीं आती अपितु दुनिया के अनुभव से आती है। जिस प्रकार अम्मा व दादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उन्हें संसार का अनुभव हमसे अधिक है। बड़े भाई ने कहा कि यदि आज मैं अस्वस्थ अगर हो जाऊं तो तुम भली प्रकार मेरी देखरेख नहीं कर सकते, हालांकि क्लास में फर्स्ट आयो, लेकिन ये चीज तुम मैनेज नहीं कर पा सकते। लेकिन यदि दादा हो तो वो बने पढ़े लिखे नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, और वो इस स्थिति को संभाल लेंगे। तुम अपने हेडमास्टर को देखो, उनके पास अनेक डिग्रियां हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम उनकी बूढ़ी माँ करती है, जो कि अपने एक्सपीरियंस से करती है काम। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाई साहब को भी जीवन का अच्छा अनुभव है, 5 साल उम्र में बड़े हैं और अपने इस अनुभव को वो अच्छे से यूज करते हैं अपनी बात को कन्विंस करने। नेक्स्ट है, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। सो कौन सा इंसिडेंट हुआ था, जब चैप्टर के एंड में वो उस भाई को समझा देते हैं कि मैं भी खेलना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं खेल सकता, और इतने में एक पतंग जाती है और वो उस पर जंप करते हैं, उस पतंग की डोर पकड़ते हैं, फिर भागते हुए निकल जाते हैं। तो वो पहली बार था कि उनका दबा हुआ जो बचपना है, वो उस बचपने को कभी इंजॉय कर ही नहीं पा रहे थे। तो उस दिन उनका वो बचपना जो तिरोहित होता जा रहा था अपने छोटे भाई को संभालने में, उस दिन उस बचपने को उन्होंने इंजॉय किया, उनके अंदर भी छोटा बच्चा था। तो कैसे लिख सकते हैं इसका आंसर, भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मैं तुमको पतंग उड़ाने की मनाही नहीं करता, पर सच तो ये है कि पतंग उड़ाने की मेरी भी इच्छा होती है। बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। एक दिन भाई साहब के ऊपर से जब पतंग गुजरी तो भाई साहब ने अपनी लंबाई का लाभ उठाया, वे उछल कर पतंग की डोर को पकड़कर हॉस्टल की ओर दौड़ कर आ रहे, छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इन बातों से सिद्ध होता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है और जो अनुकूल वातावरण पाने पर उभर उठता है। ठीक है, क्वेश्चन को, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं, ये तो हर परिवार में जो भी बड़े हैं वो अपने छोटों का भला ही चाहते हैं। तो यहाँ पे बड़े भाई साहब द्वारा छोटे भाई को यह समझाना कि किताबी ज्ञान होना एक बात है और अपना अपने जीवन में जो अनुभव है वो दूसरी बात। तो पढ़ाई में परीक्षा पास करके मेरे पास आ गए हो, लेकिन यह याद रखो, मेरे पास मतलब था यहाँ पे कक्षा जो क्लासेस का डिफरेंस था वो कम हो गया है, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटे हो, और मैं तुम्हें गलत रास्ते पर रखने के बचाने के लिए थप्पड़ का डर भी दिखा सकता हूँ, थप्पड़ मार भी सकता हूँ, तुम्हें डांटने का भी हक है। ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, आशय स्पष्ट करो है, आशय स्पष्ट करो। क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्या होगा कि आपको लाइन एक्सप्लेन करनी होती है और चैप्टर में किस संदर्भ में वो आई है, वो संदर्भ आपको साथ में शॉर्ट में अपने वर्ड्स में लिखना होता है। जैसे कि फर्स्ट, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। इस पंक्ति का आशय क्या है, इम्तिहान में पास हो जाना कोई बड़ी बात है, लेकिन इम्तिहान में रट कर भी पास हो सकते हैं। केवल इम्तिहान पास करने से जीवन का अनुभव प्राप्त नहीं होता और बिना अनुभव के बुद्धि का विकास नहीं, इसलिए वास्तविक ज्ञान बुद्धि का विकास है जिससे व्यक्ति जीवन को सार्थक बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है और वैसे ही फटकार घुड़कियां मतलब डांट फटकार खाने के बाद भी खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर सकता। किसकी सिचुएशन थी, ये राइटर लेखक की सिचुएशन।
लेखक खेल कूद सैर सपाटे और मटर गश्ती का बड़ा प्रेमी था। उसका बड़ा भाई इन सब बातों के लिए उसे खूब डांटता डपटता था, उसे घुड़कियां देता, घुड़कियां मत देना मतलब डांटना धमकाना, तिरस्कार करता था, परंतु फिर भी वह खेल कूद को नहीं छोड़ सकता था। वह खेलों पर जान छिड़कता था। जिस प्रकार विविध संकटों में फंस कर भी मनुष्य मोह माया में बंधा रहता है, उसी प्रकार लेखक डांट फटकार सहकर भी खेल कूद के आकर्षण से बंधा रहता है। क्या मतलब है इसका? नॉर्मली लाइफ में क्या होता है, जब कभी इंसान है उसे अच्छे से पता है कि जिन चीजों को मोह मतलब आप अपने जिन परिवार के लोगों को या जिन लोगों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट महसूस करते हैं वो हमेशा बने नहीं रहेंगे। और साथ ही माया मतलब धन दौलत, जो कभी आपके पास है, पैसा चंचल है, कभी किसी और के पास, लेकिन तब भी जैसे इंसान अपनी मौत या खतरे को भी सामने देखकर कहीं ना कहीं उन चीजों में, इन बंधनों में जकड़ा रहता है, वैसे ही पता है कि भाई साहब डांटेंगे खेलने कूदने पर, लेकिन तब भी लेखक बिन खेल कूद से दूरी नहीं बना सकते थे। जैसे ही शाम होती फुटबॉल खेलने के लिए वो वहां से दौड़ते हुए पहुंच जाते थे, है ना। नेक्स्ट है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। बुनियाद का मतलब क्या होता है? किसी बिल्डिंग इमारत की नींव को अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मकान कैसे मजबूत बन सकता है। तो इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए उसकी नींव को गहरा और ठोस बनाया जाता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक उसी प्रकार जीवन की नींव को भी मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी भवन की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी मकान पायदार नहीं बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट आशय स्पष्ट करो है, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। जब ये आसमान से वो पतंग कटकर नीचे आने लगती है उसकी बारे में बहुत ही मंद गति, धीमी गति से आ रही थी, और उन्होंने उसको कंपेयर किससे किया था, मानो कोई आत्मा है जो कि स्वर्ग से निकलती है, विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। नए संस्कार ग्रहण करना मतलब नया जन्म लेने के लिए जा रही है, और वो आत्मा, वो जो सोल है, वो जब स्वर्ग से निकलती है तो उसकी इच्छा नहीं है दोबारा रीबर्थ लेने की। इसलिए जब हम कोई काम अनिच्छा से करते हैं तो बहुत धीमी गति से करते हैं, तो उसी चीज के लिए यहाँ पे है। लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था। उसकी आंखें आकाश में उड़ने वाली पतंग रूपी यात्री की ओर थी। पतंग रूपी यात्री मतलब आसमान से जो पतंग आ रही थी कटकर, ठीक है, अर्थात उसे पतंग आकाश में उड़ने वाली दिव्य आत्मा जैसी मनोरम प्रतीत हो रही थी। वह आत्मा मानो मंद गति से झूमती हुई नीचे की ओर आ रही थी। आशय यह है कि कटी हुई पतंग धीरे धीरे धरती की ओर गिर रही थी। लेखक को कटी पतंग इतनी अच्छी लग रही थी कि मानो वह कोई आत्मा हो जो स्वर्ग से निकल कर आई हो और बड़े भारी मन से किसी दूसरों के हाथ में जाने के लिए धरती पर उतर रही। तो ये सारे हमारे आशय स्पष्ट करो एंड क्वेश्चन आंसर्स थे। इनके साथ ही हमारा जो चैप्टर है बड़े भाई साहब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक। टिल देन गुड बाय।